Now let us take this example. What it says, water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with the speed of 10 kilometers per hour. 10 kilometers per hour. Okay. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? क्या बता रहा है कि कोई कैनल है, वो कैनल से पानी फ्लो कर रहा है. नाउ दिस इज अ कैनल. इस तरह से कोई कैनल है जहां से पानी फ्लो कर रहा है और इसका डायमेंशन हमें दिया हुआ है दैट इज 6 मीटर और ये दिया है दैट इज 1.5 मीटर डेप्थ है और 6 मीटर उसकी विड्थ है और यहां से पानी फ्लो कर रहा है. ठीक है, इसकी पानी की स्पीड दी हुई है हमें 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी हुई है और ये पानी जब यहां से निकल रहा है एंड से दिस हाउ मच एरिया विल इट इंडिकेट इन 30 मिनट्स. तो ये यहां पे कोई फील्ड है, किसी भी शेप का कोई फील्ड है, इस फील्ड को इरिगेट कर रहा है, इरिगेशन दे रहा है. कोई नहर का पानी है, कोई नाले का पानी है जो इसको इरिगेट कर रहा है. नाउ इस फील्ड का कुछ एरिया है, लेट अस टेक इट ए, और जिसको इरिगेट करने के लिए हमें उतना पानी चाहिए 30 मिनट्स में दे रहा है. 30 मिनट्स में हमको इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, जब ये पूरा भर जाएगा तो इसकी जो हाइट है पानी की, पानी जो है वो पूरा भरा हुआ है फील्ड से ग्राउंड से ऊपर 8 सेंटीमीटर तक पूरा फिल हुआ है. तो पानी की हाइट जो है h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो यहां पर ये हो गया हमारे पास विड्थ b इज इक्वल टू दिस, h इज इक्वल टू दिस, और यहां पे हमको बताना है a इज इक्वल टू दिस और हाइट इज इक्वल टू, हमको एरिया इस फील्ड का एरिया बताना है. किसी भी शेप का फील्ड हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है. ठीक है, इस तरह से बताना है. नाउ लेट अस सी कि कैसे हम इसमें वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं. ओके, दो तरीके हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एक फॉर्मूला है और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक थोड़ा सा इसका लॉजिक है. नाउ क्या कह रहा है कि ये एक घंटे में 10 किलोमीटर पानी आता है. तो अगर हम सोचें कि एक घंटे में अगर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना पानी चला गया यहां से यहां, तो हम देख सकते हैं कि एक घंटे में, एक घंटे पहले यहां पे जो पानी रहा होगा, इस जगह पे जो पानी रहा होगा इस लाइन में, वो पानी एक घंटे के अंदर यहां पहुंच गया. ठीक है, ठीक है, एक घंटे पहले जो पानी अभी यहां है वो एक घंटे पहले यहां होगा, या हम कह सकते हैं जो पानी अभी यहां है वो एक घंटे बाद यहां पहुंच जाएगा क्योंकि स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है. तो कितना किलोमीटर आ गया यहां से यहां, तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने एक घंटे के अंदर. द वॉटर पार्टिकल जो अभी यहां है वो वाटर पार्टिकल एक घंटे बाद यहां जस्ट यहां पहुंच जाएगा. तो ये हम कह सकते हैं कि एक घंटे में कितना पानी इस खेत में चला गया, दैट इज इतना पूरा पानी इस खेत में चला गया है. क्लियर है ना, यहां का पार्टिकल यहां पहुंच गया तो जो पहले से पानी यहां था वो सारा कहां चला गया, वो यहां से बाहर निकल गया है और वो इस खेत में पूरा फैल गया है. तो कितना वॉल्यूम ऑफ पानी चला गया, तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है ये कितना वॉल्यूम चला गया, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम, इसकी की h इज इक्वल टू 1.5 है, b इज इक्वल टू 6 है और लेंथ जो हो गई दैट इज 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर का पानी एक घंटे में यहां से यहां चला गया. ठीक है, तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं 10 किलोमीटर मतलब कितने मीटर्स इंटू 1.5 इंटू 6, इतना मीटर पानी, इतना मीटर क्यूब पानी एक घंटे में इस फील्ड में चला गया. ठीक है, और इस फील्ड का एरिया है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दैट इज ए एरिया जो हमें पता नहीं है और यहाँ पे हाइट दिया हमें 8 सेंटीमीटर. तो यहाँ पूरा मीटर क्यूब में बात चल रही है, हमें एरिया भी मीटर क्यूब स्क्वायर में फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको मैं मीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं. तो इतना मीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम हो जाएगा, यानी एरिया जमीन का और प्लस उसमें हाइट बनी हुई है, इसमें थोड़ी सी हाइट भी बनी हुई है. ठीक है, तो ये इस तरह से ये पूरा इसको वॉल्यूम पूरा भर जाएगा पानी यहां पर, तो ये बन जाएगा वॉल्यूम दिस. तो यानी वॉल्यूम ऑफ दिस इतना एक घंटे में है और वॉल्यूम ऑफ दिस, यहां हमें एक घंटे के लिए निकालना है, हमें हाफ एन आवर 30 मिनट्स का निकालना है. तो एक घंटे के लिए इतना आया तो हम 30 मिनट्स के निकाल सकते हैं, एक तरीका ये है इस तरह से समझने का. दूसरा तरीका क्या होता है, वॉल्यूम का सीधे सीधे फॉर्मूला हो जाता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू रेट ऑफ फ्लो. फ्लो की जो स्पीड होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास आ जाता है, हमारा क्या आंसर आने वाला है. तो वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है,
जहां से पानी क्रॉस हो रहा है, दैट इज 6 × 1.5, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड रेट ऑफ फ्लो क्या है, दैट इज 10 किलोमीटर, इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया, मीटर पर आवर। तो एक आवर में दिस मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम यहां से चला जाएगा। और यही तो था, सेम बनेगा ये भी, ये और ये दोनों सेम आने वाले हैं, दोनों सेम है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से याद रखे कर सकते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ वॉटर फ्लोइंग इन कैनल इन वन आवर, नाउ दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू रेट ऑफ फ्लो, या रेट ऑफ फ्लो कह लीजिए या स्पीड ऑफ फ्लो या वेलोसिटी ऑफ फ्लो आप कह सकते हैं। ओके, नाउ क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 6 × 1.5 एंड दिस इज 10,000 m³/h, ये हमारे पास ये बन गया, किलोमीटर है इसको मैंने मीटर में कर दिया है इतना, ठीक है। नाउ वन आवर में कितना जा रहा है, इट कम्स आउट टू बी 90,000 m³/h। तो एक घंटे में, वन आवर में 90,000 m³ पानी जा रहा है, तो हाफ एन आवर, क्योंकि हमें यहां कितने करिए 30 मिनट्स में, तो वॉटर वॉल्यूम ऑफ वॉटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू 90,000/2। यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, वन आवर में 90,000 है तो 30 मिनट, वन मिनट में 90,000/6 आएगा, 30 मिनट में 90,000/6 × 30 = 1/2, दैट इज, ठीक है। यहां से हम क्लियरली कह सकते हैं 45,000 m³, इतना वॉल्यूम हमारे पास आ गया, है ना। अब नाउ वॉल्यूम इन फील्ड कितना हो जाएगा, फील्ड दिया है हमको, है ना, फॉर इरिगेशन, दैट विल बी एरिया ऑफ फील्ड इंटू हाइट, हाइट ऑफ वॉटर इन फील्ड, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ फील्ड क्या है, दैट इज ए, लेट अस टेक द एरिया इज ए इंटू हाइट क्या है, दैट इज 0.08, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। नाउ द वॉल्यूम ऑफ वॉटर फ्लोइंग इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ फील्ड, वॉल्यूम ऑफ वॉटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन फील्ड, जो पानी वहां से फ्लो होके आया है वही पानी पूरा फील्ड में बिखर गया है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन फील्ड, वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन फील्ड, ओके। तो कितना बन गया है, वॉल्यूम ऑफ वॉटर फ्लोइंग इन दिस इज इक्वल टू 45,000 था मीटर क्यूब, और वॉल्यूम इन हियर इज एरिया इनटू 0.08 मीटर, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो एरिया कम्स आउट टू बी 5,625,000 m² एरिया, ठीक है। इसको और अगर हम लिखें शॉर्ट में, दैट इज 56.25 हेक्टेयर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।